क्या बताऊँ, मैं तो खुद ही सेफ नहीं हूँ और मेरे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे, मेरे तो खुद के लट बज रहे हैं। सरे आप 20-20 जगह मेरी गाड़ी पर अटैक कर रहे हैं। तेज तर्रार विधायक दिव्या मदेरणा आपकी सरकार पर सवाल उठा रही है, आखिर ये खुद विधायक की सुरक्षित कौन है, तो आम जनता सुरक्षित है, ई पर भी सवालिया निशान सरकार पर उठ रहे हो। आप देख रहे हो झलको राजस्थान और मैं हूँ आपके साथ रामकिशन। राजस्थान में जो लगातार सत्ता पक्ष पर विपक्ष तो सवाल उठा ही रहे हो, लेकिन विपक्ष का साथ साथ सत्ता पक्ष का कई विधायक लगातार आपकी सरकार ने कठघरा में खड़ा कर रहा है। खासतौर पर ओशिया जोधपुर की तेज तर्रार कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेरणा तो लगातार अलग अलग मुद्दा पर आपकी सरकार ने घेरती रहे है, और हाल ही का दिनों में जो है जोधपुर के मायने एक पारिवारिक रंजिश के चलते की हत्या होगी, जोधपुर विश्वविद्यालय में एक बालिका का रेप को मामलों भी सामने आयो, और इस पहली भी जो है 3-4 महीना पहली बद्रीराम जाखड़ जो पूर्व सांसद है और मदेरणा परिवार की आपसी वर्चस्व की लड़ाई के चलते कोऑपरेटिव सोसाइटी रा चुनाव के मायने भी जो है टकराव की स्थिति पैदा हुई, गाड़ियां का शीशा वीसा टूटका, इन सब बातों का जिक्र मीडिया में आर करता हुआ दिव्या मदेरणा जो है सरकार की कानून व्यवस्था ने कोस रही है, लगातार सवाल उठा रही है, और ये बात को पूरा फायदा जो विपक्ष उठावा के लाग रहे है, और खास करके जोधपुर रा सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये बात ने उठाई जोरदार तरीका, और बोला कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी इस तरह की बात कही है, वहाँ पर भी सवाल खड़ा कराया है। अब आज एक बड़ी बात होगी कि कानून को जो बड़ो मुद्दों है जिन्हें विपक्ष लगातार उठा रहे हो, कई बार सत्ता पक्ष का विधायक भी उठा ले हुए, चुनाव में सत्ता पक्ष ने कतरो महंगो पड़ती है तो चुनाव नतीजा के बाद ही तय हो लो, पूरी जानकारी वीडियो में देखो। क्या बताऊँ, मैं तो खुद ही सेफ नहीं हूँ और मेरे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे, मेरे तो खुद के लट बज रहे हैं। सरे आप 20-20 जगह मेरी गाड़ी पर अटैक कर रहे हैं, जबकि मैं पुलिस कस्टडी में गई, पुलिस सुरक्षा में गई, मैंने SP से पुलिस सुरक्षा ली है, मेरे आगे दो पीछे दो गाड़ी चलती है, मेरे साथ में सब इंस्पेक्टर चलता है। 2 दिन पहले मुझे धमकी मिलती है, 5 थाने वहाँ पे तैनात होते हैं, एडिशनल SP वहाँ तैनात है, CO तैनात है, 4 इंस्पेक्टर्स आपके थाने तैनात है, जितना आपने किसी पुलिस को बुला रखी थी आपने, आपको पता था वहाँ आशंका थी, और मैंने जब वहाँ पे हुआ उसको पहले अपनी गाड़ी 3 किलोमीटर पे रोक के SP से बात करी कि मेरे पे हमला होगा, बोले नहीं साहब हमारा पर्याप्त व्यवस्था है, आपके साथ सिक्योरिटी और हमारे पास पर्याप्त बल है, उसके बाद सर आप मेरे पे हमला हो जाता है और आप अरेस्ट नहीं कर पाते। IG बताए क्यों नहीं कर रहे अरेस्ट, मैं भी महिला हूँ लेकिन ठीक है, मैं सक्षम हूँ कि हमलों के बाद भी चुनौतियों को एक्सेप्ट कर सकती हूँ, लेकिन बात उनकी है जिनकी आवाज़ बनने के लिए हम सदन में आए, उस जनता की आवाज़ बनने के लिए आए, उसकी उन बेजुबानों की जिसको विश्वास का मत देकर हमें सदन के अंदर भेजते हैं कि हमारी आवाज़ आप उठाएंगे, मैं उनकी आवाज़ उठाऊंगा।